उत्तराखंड भाजपा ने युवाओं के आंदोलन को कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए युवाओं से धैर्य बरतने और सरकार के कदमों पर विश्वास जताने की अपील की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा समेत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर पूरे षड्यंत्र को लेकर जांच की की है। सभी नेताओं ने युवाओं से धैर्य बनाए रखने और किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही युवाओं को भड़काने में लगी हुई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसके सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार ने पहले भी जब जब भर्ती घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में, तो सरकार ने हमारे तुरंत उस पर एक्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों ने भी गड़बड़ किया उनको जेल भेजने का काम किया, और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि वो संयम बरते हैं, किसी के बहकावे में ना आए, और सरकार पारदर्शी नियुक्तियाँ भी कराएगी, सरकार जो है अच्छे एग्जाम भी कराएगी।